नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस में। मैं हूं मनीष गुप्ता, एक बार फिर से आप सभी लोग के साथ शाम के 8 बजे आप सभी लोग के साथ संपूर्ण हृदय के साथ जुड़ चुका हूं। तो फटाफट से सेशन में आ जाइए आप सभी लोग। और आज का सेशन होगा करंट अफेयर्स पर आधारित, यानी कि करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके की भी क्लासेस चलेंगी। यानी कि हम लोग बेसिकली करंट अफेयर्स को नहीं उठा रहे हैं, लेकिन करंट अफेयर्स से संबंधित जितने भी स्टैटिक जीके का पार्ट होगा और उससे संबंधित आधारित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि एक बार मुझे बता दीजिए कि सारी चीजें ओके हैं, ऑल थिंग इज ओके, आवाज वगैरह क्लियर आ रही है, कोई डिस्टर्बेंस वगैरह तो नहीं हो रही है। स्टॉक मार्केट में सिर्फ सूट्स क्यों? फटाफट से आप सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ऑल थिंग इज ओके, सारी चीजें ओके हैं, एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, देखो आज हम लोग शुरुआत करेंगे करंट अफेयर्स। पहले तो समझ जाइएगा कि स्टैटिक जीके का तो रहेगा ही, स्टैटिक जीके का तो पार्ट रहेगा ही, लेकिन स्टैटिक जीके के साथ साथ जो करंट अफेयर्स में जो स्टैटिक जीके का सार निकल कर आता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कि करंट अफेयर्स पर तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन क्वेश्चंस के आधार पर स्टैटिक जीके का पार्ट जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, राकेश पुरी कह रहे सर मैंने एक फॉर्म भेजा है लेकिन टू टीचर्स से बात कर लिए, लेकिन आपसे बात नहीं हुई है अभी तक। अगर आपने मेरा नाम भरा होगा तो आपसे हम जरूर वार्तालाप करेंगे, मेरे पास डेटा आ जाएगा तो हम जरूर आपसे कम्युनिकेशन करेंगे। अगर आपने मेरा नाम भरा है, ठीक है, मेरा नाम भरा है तो हम आपसे जरूर 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 से बात करेंगे। ठीक है, आज भी कई बच्चों का कॉल आ रहा था लेकिन इतने बच्चों से कम्युनिकेशन हो पा रहा था तो उसकी वजह से कुछ बच्चों की कॉल पिक नहीं कर पाया। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आपसे कम्युनिकेशन जरूर रहेगा। ठीक है, कुछ बच्चे अभी रह गए हैं, कुछ बच्चों मैक्सिमम बच्चों से मैंने टचअप कर लिया है और कुछ बच्चे अभी भी अपनी कैरियर काउंसलिंग को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हैं, जो कि ये बहुत ही एक तरह से कहते हैं ना कि हम आपके बड़े भाई के तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, ये बस बात मान के चलो कि हम आपके बड़े भाई के तरीके से आपके पूरे के पूरे कैरियर को एक दिशा देने के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें मेरा कोई लोभ नहीं है, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, बस मेरा फायदा यही है, मेरा स्वार्थ यही है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसमें सबसे ज्यादा जो खुशी होगी वो मुझे होगी। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन से, आज का सेशन शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है, देखिए ध्यान से कि अभी हाल ही में किस संस्थान ने भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है ताकि इंडियन एयरफोर्स के स्वदेशीकरण के प्रयासों में तेजी लाया जा सके और आत्मनिर्भर भारत के क्या जो लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सके। तो विच इंस्टीट्यूशंस रिसेंटली साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द इंडियन एयरफोर्स टू एक्सेलरेट द इंडिजीनियस एफर्ट्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स टू अचीव आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में किस संस्था ने इंडियन एयरफोर्स के साथ एक समझौता किया है। अब ये समझौता किस तरीके से, सबसे पहले तो समझिएगा, इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं, जो मुख्य हैं, ठीक है, मुख्य अधिकारी हैं, उनका नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया इनका नाम है और ये इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं। ठीक है, सिंह भदौरिया और ये इंडियन एयरफोर्स के क्या है, इंडियन एयरफोर्स के चीफ है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ चूंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, वो 2020 से, जून 2020 से जब COVID-19 का प्रकोप पूरे विश्व भर में हो रहा था तो हमारा देश भी कहीं ना कहीं इससे अछूता नहीं था। तो जून 2020 में भारत सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज की शुरुआत की थी। ठीक है, और ये सेल्फ डिपेंडेंसी, ये वास्तविक तौर पर सही भी है कि हम लोग किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भरता कम कर सकें। तो हमारे देश में ही इतनी पोटेंशियल है, इतनी क्षमता है कि
कि आपस में कम्युनिकेट करके अपने रक्षा सौदों को पूरी तरीके से इन्हेंस किया जा सके। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि मद्रास ने, आईआईटी मद्रास ने इंडियन एयरफोर्स के साथ क्या किया है, एक आत्मनिर्भर भारत के स्वदेशीकरण का एक लक्ष्य रखा गया है। ये आत्मनिर्भर भारत प्राप्त करने के लिए जो समझौते की शुरुआत की गई है वो आईआईटी मद्रास की तरफ से किया गया है और इस पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया गया है। इस ज्ञापन पर जो भारतीय वायुसेना के जो अलग अलग हथियार की जो टेक्नोलॉजीज होगी, प्रणालियां होगी, उसकी टेक्नोलॉजीज का विकास कौन करेगा, आईआईटी मद्रास करेगा। ठीक है, यानी कि इंडियन एयरफोर्स वास्तविक तौर पर जितने भी हथियार लेता है किसी अन्य देश के साथ, तो जो अन्य देश के साथ ले रहा है उसकी टेक्नोलॉजीज को समझने का, उसकी टेक्नोलॉजीज को प्राप्त करने का जो जिम्मा लिया है वो आईआईटी मद्रास ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द प्रधानमंत्री संग्रहालय रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किस शहर में या किस जगह पे किया है, मसूरी यानी कि उत्तराखंड में, नई दिल्ली में, नोएडा उत्तर प्रदेश में, पुणे यानी कि महाराष्ट्र में, या गांधीनगर गुजरात में। वेयर वॉज द प्रधानमंत्री संग्रहालय रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। फटाफट से आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक जो प्रधानमंत्री संग्रहालय यानी कि शुरुआत से लेके अब तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उनका एक म्यूजियम तैयार किया गया है, उसका एक उद्घाटन किया गया है। ये कहां पे उद्घाटन किया गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। जो आपने नई दिल्ली पढ़ा है बिल्कुल एक्यूरेटली पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, तो वेयर वॉज द प्रधानमंत्री संग्रहालय रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नई दिल्ली हो जाएगा। जरा ध्यान देने वाली बात है कि आजादी का जो अमृत महोत्सव है वो कौन सा वर्ष मनाया जा रहा है, 75वां वर्ष मनाया जा रहा है, यानी कि 75वां वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वें बर्थ एनिवर्सरी पर यानी कि 131वें जयंती पर पेटीएम के साथ एक ऑफिशियल डिजिटल पेमेंट के साथ प्रधानमंत्री म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। ठीक है, इस म्यूजियम का जो खर्चा है वो 271 करोड़ का खर्चा लगाया गया है। एक अनुमानित खर्चा है वो 271 का खर्चा है और इसका जो कंस्ट्रक्शन होगा, तीन मूर्ति स्टेट जो नई दिल्ली के सदन के पास तीन मूर्ति स्टेट नाम की जगह है वहां पे इसको बनाया जाएगा। जो भारत के प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो थे उनका जो निवास स्थान था वो तीन मूर्ति स्टेट, वो 16 साल पहले इसको जो है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था। अब ये जो है नया नाम के नाम से जाना जाएगा जिसको बोला जाएगा प्रधानमंत्री म्यूजियम या प्रधानमंत्री संग्रहालय। ठीक है, और इसके जो संग्रहालय के जो लोगों होंगे वो जो लोगों का हाथ होता है, लोगों का धर्म चक्र होता है, धर्म चक्र प्रवर्तन के साथ जो बौद्ध धर्म धर्म चक्र दिखाया जाता है वो, और लोगों का हाथ यानी कि जो इंडियन पीपुल का जो हाथ है कनेक्टिंग पीपुल वाला, वो डेमोक्रेसी वाला लोगो दिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ये अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की कार्गो निकासी प्रक्रिया का आकलन करने के लिए एक मापन यंत्र का आविष्कार या उपकरण का रिलीजन किया है। इसके लिए CBIC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ध्यान से समझिएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने एक NTRS यानी कि नेशनल टाइम रिलीजेस स्टडी 2022 का एक मेजरमेंट टूल है जो कि कार्गो को, जो कार्गो होते हैं ना, जो कार्गो से जो माल आते हैं या जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर
जितने भी ट्रेडिंग हो रही हैं उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए NTRS का आविष्कार किया गया है, या उपकरण को मापने का एक आकलन करने का एक क्या किया गया है, ये अध्यादेश पास किया गया है। तो ये वास्तविक तौर पर जो इस NTRS 2022 जारी किया गया है CBIC की तरफ से किया गया है। अब आपको बताना है कि CBIC के जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान में चेयरमैन हैं, वो कौन हैं? अजीत कुमार हैं, शांति सुंदरम हैं, एस रमेश हैं, कौशल श्रीवास्तव हैं या विवेक जौहरी हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छे। किसने बताया? अभिरंजन के ब्लॉग्स ने बताया। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बढ़िया। ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा कि ये वास्तविक तौर पर है क्या। जितनी भी मॉनिटरिंग होती है ना, जो ट्रेडिंग अंतरराष्ट्रीय व्यापार के तौर पर, उसके लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष ने एक NTRS 2022 जारी किया है, और ये वास्तविक तौर पर कार्गो क्लियरेंस प्रोसेस के तौर पर जाना जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप सभी लोग, जो CBIC के जो अध्यक्ष हैं वो इस वक्त विवेक जौहरी हैं। ठीक है, इनका नाम विवेक जौहरी है, इनकी फोटो भी लगी होगी, वो ये देख के याद कर लीजिएगा। विवेक जौहरी, जिन्होंने अभी हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस कस्टम का एक NTRS यानी कि नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2022 को एक तरह से जितने भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं उसका मेजरमेंट करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए एक स्टडी लॉन्च किया है। ये NTRS के तौर पर लॉन्च किया गया है। ये NTRS वास्तविक तौर पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO, ठीक है, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट जिसको TFA भी बोला जाता है, और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों के पार्ट से इंप्लीमेंटेशन किया गया है। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी सदस्य देश हैं, ध्यान से सुनिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी सदस्य देश हैं, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट के दौरान जितने भी सदस्य देश समझौता करते हैं व्यापार में, और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अगर एक देश किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तो कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत भी आता है। तो इसको मेजरमेंट करने के लिए एक स्टडी निकाली गई है जिसको NTRS कहा गया है, और इसको जो रिलीज किया गया है विवेक जौहरी, चेयरमैन CBIC की तरफ से रिलीज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसको हम लोग ECOSOC बोलते हैं, ECOSOC बोलते हैं, ने हाल ही में अपने 16 सहायक निकायों के लिए एक विशेषज्ञों का चयन किया है, जो भारत में उनसे 4 लोगों के लिए चुना गया है, भारत की तरफ से 4 लोगों को चुना गया है। इनमें से कौन सा निकाय ECOSOC के 4 निकायों में से नहीं है? ठीक है, यानी कि समझने की वाली बात है कि ये वास्तविक तौर पर देखने वाली बात है कि ये ECOWAS है क्या। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की एक सब्सिडरीज कंपनी के तौर पर यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये ECOSOC के तौर पर जाना जाता है, ECOSOC के तौर पर जाना जाता है। वास्तविक तौर पर विश्व में जितनी भी आर्थिक तरक्की हो रही है या विश्व में जितनी भी आर्थिक मंदी हो रही है, ठीक है, ठीक है भाई, देखो बीच बीच में डिस्टर्बेंस आती रहती है, मैंने क्या कहते हैं ऑफ करना भूल गया था। ठीक है, तो यहां पे यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो ECOS ही होता है, ECOSOC, ये वास्तविक तौर पर संयुक्त राष्ट्र की ही एक संस्था के तौर पर काम करता है। ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये संयुक्त राष्ट्र की तरफ से, ये संयुक्त राष्ट्र के लिए ही काम करता है। जितने भी विश्व में इकोनॉमिक स्तर पर यानी कि आर्थिक स्थिति को देखते हुए सामाजिक परिषद बैठाए जाते हैं, यानी कि इकोनॉमिक और सामाजिक परिषद का ही एक रूप बनाया गया है, यानी कि अगर विश्व में जो व्यापार हो रहे हैं, विश्व में आर्थिक तंगी कितनी हो रही है, आर्थिक मंगी कितनी हो रही है और आर्थिक तरक्की कितनी हो रही है, ये जो संस्था है ये सामाजिक स्तर को इनबैलेंस करने से रोकता है, यानी कि जो विश्व में असंतुलन की स्थिति है उसको करने से रोकता है,
ECOSOC के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी हाल ही में इनको भारत के 4 सहायक लोगों के तौर पर चुना जाने का एक प्रावधान किया गया है। अब इसमें से कौन कौन सी जो संस्थाएं हैं या जो कौन कौन सी कमेटी है ये ECOSOC का पार्ट है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसका पार्ट कौन कौन सा है, तो कमेटी फॉर इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ठीक है, अगर ये देखा जाए तो ये इसका भाग बना हुआ है। कमेटी ऑन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको एनजीओ के तौर पर, ये भी पार्ट ECOSOC का पार्ट बना है। तीसरा, कमेटी फॉर प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेशन, ये पार्ट इसका नहीं है, यानी कि ये भाग ये कमेटी पार्टिसिपेट नहीं करेगी कि बाकी सब कमेटी इसकी पार्टिसिपेशन करेगी। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट वाली बात है ECOSOC के बारे में जानने के लिए। ये 26 जून सन 1945 को संयुक्त राष्ट्र के साथ इसको बनाया गया था और इसका उद्देश्य था, इसका मोटिव्स था कि जितने भी संयुक्त राष्ट्र के जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स है या उसके जो सदस्य देश हैं उनको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करना। ठीक है, जो विश्व आर्थिक मंदी हो रही है, विश्व आर्थिक तरक्की हो रही है या विश्व आर्थिक स्थिति को देखते हुए जितने भी विश्व में इनबैलेंस हैं या असंतुलन है उनको सामाजिक स्तर पर संतुलन की स्थिति में लाना, जो कि ECOSOC का काम होता है। ठीक है, इसके जो फाउंडर मेंबर थे जो अर्कोट रामासामी मुदलरियर थे। ठीक है, और इसकी जो लीगल एक्टिविटी है, अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क सिटी यानी कि न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है। ठीक है, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं, इसके प्रेसिडेंट जो हैं जिनका नाम है कोलन विक्सन कलापी। ठीक है, कोलन विक्सन केला पिल। ठीक है, ये इनका नाम है और ये जो है ECOSOC के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। जो एम्बेसडर है प्रीति सरन, उन्होंने उनको एक बार फिर से री इलेक्टेड किया गया है, जो कि इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चर राइट को देखेंगी भारत की तरफ से। कमेटी ऑन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपकी प्रीति सरन देखेंगी। कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, ये भी प्रीति सरन देखेंगी। और कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, ये 4 संस्थाएं हैं जो कि ECOSOC को लीड करेंगी। ठीक है, और कब तक करेंगी, 2022 के पूरे सेशन तक ये लीड करेगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO के नाम से भी जाना जाता है। WTO 2022 के लिए वैश्विक व्यापार वृद्धि की अपने पूर्व अनुमान को 4.7% को संशोधित कर दिया गया है। ये संशोधित करने के बाद अब कितना परसेंटेज बढ़ाया गया है या घटाया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले जो ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ की बात हो रही है, यहां पर GDP की बात नहीं हो रही है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे WTO ने अभी हाल ही में एक अनुमान किया है कि जो आने वाले साल में यानी कि तो पूरे 2022 के फाइनेंशियल ईयर में विश्व में जो ट्रेडिंग हो रही है, जो व्यापार हो रहा है, वो 4.7 से घटा दिया गया है। पहले 4.7% के तरीके से बढ़ रहा था, लेकिन अब जो ट्रेडिंग जो बढ़ने का मतलब ये है कि जो विश्व में जो व्यापार व्यापारीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहे थे वो अब उसको घटाकर 3% कर दिया गया। ठीक है, 3% कर दिया गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम है नगोजी, ठीक है, बड़ा अटपटा नाम है लेकिन याद कर लीजिएगा, नगोजी ओकोंजो इलेवाला। ठीक है, इलेवाला, तो ऐसे आप सभी लोग याद कर सकते हो, नगोजी ओकोंजो इलेवाला ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, जनरल सेक्रेटरी हैं। और WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है, जिनेवा में है। कहां पे बच्चे, जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो विश्व व्यापार संगठन ने 3% कर दिया है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि ये हमारे भारत में ही नहीं मंदी आ रही, पूरे विश्व में ही मंदी आ गया। जितनी ज्यादा ग्लोबल ट्रेडिंग होगी उतने ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के चांसेस होते हैं, लेकिन अब ग्लोबल ट्रेडिंग घट गया है, यानी कि 1.7% सीधे घटा दिया गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है भाई, बच्चे हम लोग की तरफ से मशाल बैच शुरू हो चुका है, ठीक है। जो भी आपके दोस्त यार, आपके मित्र ताऊ, जितने भी लड़के लड़के हैं जो अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपी लेखपाल या यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस, रेलवे, इन सब की कहीं ना कहीं तैयारी कर ही रहे होंगे, उनको बता दीजिए कि मशाल का कॉम्बो बैच आया हुआ है, जिसमें आप सभी लोग को 1499 में सारी चीजें मिल जाएंगी। बच्चे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो सेशन को एक बार लाइक मार दो, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, तो जब आप लाइक मुझे करते हो तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। तो मशाल का जो कॉम्बो बैच है, जॉब 50 कोड को, यानी कि कूपन कोड को लगाओगे तो 1499 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन विश्व बैंक के पुनः आकार देने के मानदंडों के अनुसार आगे बढ़ने का एक नया तरीका दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्था को फोकस स्प्रिंग 2022 की एक रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें भारत की जीडीपी को 8.7% से घटा दिया गया, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है, एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसका नाम है रिशेपिंग नॉर्म्स ए न्यू वेव फॉरवर्ड साउथ एशिया इकोनॉमी फोकस स्प्रिंग 2022 रिपोर्ट। बड़ा लंबा चौड़ा नाम विश्व बैंक ने रखा है। अब विश्व बैंक ने 8.7% तक की वृद्धि बताया जा रहा था कि यह 8.7 तक की वृद्धि होगी, ठीक है, लेकिन अब क्या है, विश्व बैंक ने इसको घटा दिया है। अब विश्व बैंक ने कितना परसेंट कर दिया है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो विश्व बैंक ने 8% कम कर दिया, 8% कम कर दिया गया, यानी कि 8.7% से घटाकर 8%, बहुत बड़ा, मतलब 0.7% इसको घटा दिया गया है, जो भारत की जीडीपी है उसको घटा के 8% पर ले आया गया है। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग बार बार जीडीपी की बात करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर फॉर एग्जांपल जनवरी में किसी संस्था के द्वारा अगर 8% बताया जा रहा है और फरवरी में वही संस्था के द्वारा 7% बताया जा रहा है, उसी संस्था के द्वारा मार्च में 8% बताया जा रहा है, 8% बताया जा रहा है, और उसी संस्था के द्वारा अगर अप्रैल में 9% बताया जा रहा है, तो ये बेटा क्या फ्लक्चुएशंस नहीं हो रहा है? आप सभी लोग को लग रहा होगा कि जीडीपी जो है ये वास्तविक तौर पर बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, क्योंकि 8% से सीधे 7% घटा, 1% का घटोतरी हुई, फिर 7% से 1% बढ़ा, ठीक है, फिर वही का वही है, यानी कि पहले जहां से चला था अभी भी वहीं पे है, ठीक है। अब 8% से 1% बढ़ा, तो जो पिछले महीने से तुलना की जा रही है तो वो 1% इंक्रीज हुआ, तो इस तरीके से पिछले महीने के अकॉर्डिंग जो है वो क्या किया जाता है, तुलना की जाती है। अगर हम लोग वर्ल्ड बैंक की बात करें, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है बच्चे, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष हैं, यानी कि प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है, उनका नाम है डेविड मलपास, इसको याद कर लीजिएगा। और बेसिकली हम सबको वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो लोन सेंक्शन होता है भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करने के लिए, वो IBRDE की तरफ से होता है, ठीक है। वर्ल्ड डेवलपमेंट आउटलुक की रिपोर्ट भी विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है।
हाँ, प्रिया वर्मा कह रही कि सर जो आपने किया था उसमें 8.3% था, जरा से ध्यान से सुनिएगा सर, आपने जो पीडीएफ दिए है उसमें वहां के रेट में पीडीएफ 8.3% है, ठीक है। अब जरा सुनिएगा, विश्व बैंक ने जो नॉर्मल जीडीपी, ध्यान से सुनिएगा, विश्व बैंक की जो नॉर्मल प्रेडिक्शंस होती है, विश्व बैंक की जो नॉर्मल प्रेडिक्शंस होती है उसने 8.3% कहा है, नो डाउट, ठीक है, 8.3% कहा है। लेकिन अभी विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है, इसीलिए मैंने आपको ध्यान दिलाया कि रीशेपिंग नॉर्म्स ए न्यू वे फॉरवर्ड साउथ एशिया इकोनॉमी फोकस स्प्रिंग 2022 रिपोर्ट। तो जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये जरूर दिया जाएगा, अगर विश्व बैंक की सामान्य जीडीपी दी जाएगी तो वो 8.3% जो आपने रट मार दी है वो बता ही देना। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व बैंक ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिस रिपोर्ट का नाम रखा गया है रीशेपिंग नॉर्म्स ए न्यू वे फॉरवर्ड साउथ एशिया इकोनॉमी फोकस स्प्रिंग 2022 रिपोर्ट, तो इसमें जो परसेंटेज का ग्रोथ बताया गया विश्व बैंक की तरफ से वो क्या बताया गया, तब आप लोग आंसर देंगे 8%, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब आप लोग, आई थिंक मेरा डाउट्स, जो आप सभी लोग का डाउट है वो क्लियर हो रहा होगा कि 8.3% क्यों कहा गया और 8% क्यों कहा गया, ठीक है प्रिया, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनली हु रिसेंटली, अच्छा जिन लोगों को पीडीएफ नहीं मिल पा रही है वो जीएजीएस बाई मनीष सर ज्वाइन कर सकते हैं, जीएजीएस बाई मनीष सर, आप सर्च मारोगे तो संविधान यानी कि पीछे ऊपर जो है संविधान कॉन्स्टिट्यूशंस वाली लाइब्रेरी एक किताब बनी हुई है और नीचे मेरी फोटो बनी हुई है, आप देख के पहचान जाओगे और उसको ज्वाइन कर लेना। नेम द पर्सनैलिटी हु रिसेंटली रिसीव्ड द इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2021 इन द इंडिविजुअल कैटेगरी बाय वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, जो व्यक्तिगत श्रेणी की कुष्ठ रोग 2021 के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, उनका नाम क्या है, मुरलीधर देवदास आमटे, ठीक है, ठीक है, भूषण कुमार, शेख मुजीबर रहमान, दामोदर गणेश बापट या ए टी अरियातारातने, चलिए आंसर बताना, ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे पहली बात तो समझने वाली बात है, आपको जितने भी भारत में या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेप्रोसी, जो आज के डेट पे भी कुष्ठ रोग, अगर सन 18 के दशक में सन कबीर दास थे तो कबीर दास से एक कहावत, एक दोहा याद आता है कि एक कुष्ठ रोग वाली महिला थी, उससे टच कर गई थी कबीर दास जी से, गंगा जी के किनारे बैठे हुए थे और वो महिला जो थी वो बेकार भीख मांग रही थी, तो कबीर दास जी से टच कर गई थी, तो वो गिड़गिड़ा कर रोने लग गई थी, वो कुष्ठ रोगी जो महिला थी, तो कबीर दास जी ने उसको कंधे से उठाया और बोला, माई तू क्यों रो रही है, माई तू क्यों रो रही है, कुष्ठ रोग ये तेरा रोग नहीं है, ठीक है, ये एक तरह से जो रोग है ये ऐसा नहीं है कि छुआछूत की बीमारी है। तो उस वक्त जितने भी चारों तरफ थे लोग कबीर दास जी से दूर भागने लग गए थे, उनको ये लग रहा था कि ये भी जो है उनको छुआछूत की बीमारी है और कुष्ठ रोग उनको भी हो जाएगा, तो उसी के आधार पर उन्होंने बहुत ही प्यारी दोहा बनाया था, कुष्ठ रोग रोग के ऊपर बनाया था। तो बात यहां पे समझने वाली बात है कि ये मानसिकता आज भी देश में बनी हुई है, अगर कोई व्यक्ति कुष्ठ रोग से ग्रसित है या किसी के सफेद दाग है तो लोग छूने से डरते हैं, लोग उसके पास जाने से डरते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये हमारे समाज की देन है कि ये वास्तविक तौर पर इस पर जो काम किया है भूषण कुमार जी ने किया है, भूषण कुमार जी ने जो कुष्ठ रोग को अवेयर कराने की बात की है, इसलिए इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2021 का अवार्ड भूषण कुमार जी को मिला हुआ है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भूषण कुमार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा, वेंकैया नायडू जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने भूषण कुमार
इस कैटेगरी में दिया है। और ये जो संस्था है सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट के तौर पर गुजरात के अंतर्गत चलाई जाती है, जो कि भूषण कुमार जी चलाते हैं, उनको ये संस्था के तौर पर दिया गया है। और एनुअल अवार्ड हर साल दिया जाता है गांधी मेमोरियल रेप्रोसी फाउंडेशन की तरफ से, और कभी राष्ट्रपति और कभी उपराष्ट्रपति की तरफ से दिया जाता है। ये गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन की जो स्थापना हुई थी सन 1951 में हुई थी, और ये प्रेजेंटेड साल में दो बार या दो साल में एक बार प्रेजेंटेड होता है, ठीक है। तो ये हर साल आप सबके हर दो साल पर एक बार ये अवार्ड प्रेजेंटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आयरन बीम नामक दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है? विच कंट्री रिसेंटली टेस्टेड फायर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी बेस्ड वेपन सिस्टम नेम्ड आयरन बीम्स? पाकिस्तान, इंडिया, जापान, चाइना या इजराइल? फटाफट से आंसर बताइएगा, सभी लोग आंसर बताइएगा। हाल ही में किस देश ने आयरन बीम, ठीक है, अब सबसे पहली बात तो समझने वाली बात यह कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के द्वारा पहली बार लेजर बीम के द्वारा हथियार बनाया गया है, और लेजर बीम के द्वारा लोगों पर हथियार की एक प्रावधान की जाएगी। यह आप सभी लोग देख रहे हैं, ये एक ट्रक पे लेजर बीम के द्वारा हथियार प्रणाली की इजाद की गई है, और ये किसकी तरफ से की गई है? इसराइल की तरफ से की गई है, इसराइल की तरफ से, ठीक है। हथियारों के मामले में इसराइल, सिप्री ने बताया है, आप सभी लोग को कल बताया था, सिप्री ने, ये एक ऐसी संस्था है जो कि पूरे विश्व भर में जितने भी हथियार की लेन देन है उस पर बड़ी नजर गड़ाए रहता है। तो इसराइल के मामले में सिप्री ने यह बताया कि इसराइल बहुत तेजी से अत्याधुनिक हथियार बनाने के मामले में पहला स्थान पर आ रहा है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ना अमेरिका है ना चाइना है। सिप्री के अनुसार इसराइल अत्याधुनिक हथियार बनाने के मामले में और परीक्षण करने के मामले में पहले स्थान पर आ रहा है, ठीक है। तो इसराइल ने सक्सेसफुली एक तरह का अपना लेजर मिसाइल जारी किया है जिसका नाम रखा है आयरन बीम। यह विश्व का पहला ऊर्जा पर आधारित वेपन्स होगा जो कि नेगव डिजर्ट में ट्रायल किया गया है, परीक्षण किया गया है। आयरन बीम जो डेवलप किया गया है किसकी तरफ से डेवलप किया गया है? रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम की तरफ से किया गया है, जिसको हम लोग RADS भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये वास्तविक तौर पर ये सीधे एनर्जी वेपन की तरफ से किया गया है, ये कहीं पे भी लंबे दूरी तक ट्रैवल की जा सकती है। ये वास्तविक तौर पर जो ये फाइबर लेजर सिस्टम जो है ये हवा में किसी भी स्थिति को 7 किलोमीटर के रेंज तक किसी भी मिसाइल्स को या किसी भी हथियार को नष्ट कर सकती है, ठीक है। और ये बेसिकली अनमैंड एरियल व्हीकल और ड्रोन्स को पर आधारित मिसाइल्स को भी ड्रोन कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेटर हामिश बेनेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, वे किस देश से संबंध रखते हैं? साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड? क्रिकेटर हामिश बेनेट अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, विच कंट्री डज ही बिलोंग टू? आंसर बताना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये किस देश के खिलाड़ी है बच्चे, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। किस देश के खिलाड़ी हैं? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, जो क्रिकेटर हामिश बेनेट ने काफी अच्छा अपना प्रदर्शन किया है, और ये क्रिकेटर न्यूजीलैंड के हैं, और ये फास्ट बॉलर जाने जाते हैं, ठीक है। हामिश बेनेट, इन्होंने 17 ईयर ओल्ड क्रिकेटर कैरियर, यानी कि 17 साल का जो अपना क्रिकेट कैरियर है उन्होंने 2022 में इन्होंने समाप्त कर दिया है, और इनका जो अक्टूबर 2010 में इन्होंने सबसे पहला मैच खेला था, ठीक है। और इन्होंने वनडे इंटरनेशनल 19 अगर देखा जाए तो वन टेस्ट मैच, 19 टेस्ट मैच खेले हैं, और 11 T20 खिताब खेले हैं, ठीक है। तो इन्होंने न्यूजीलैंड की तरफ से, न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड इस साल आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप
आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश ने किया था? आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप का आयोजन न्यूजीलैंड ने किया था, जिसमें कि फाइनल मैच में कौन कौन टीम के महिला विश्व कप भागीदारी थी, एक तो ऑस्ट्रेलिया, दूसरा इंग्लैंड। इसमें विनर कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया रहा था, यानी कि महिला ऑस्ट्रेलिया विश्व कप 2022 का खिताब जीता है और न्यूजीलैंड में ये पार्टिसिपेशन किया गया था। नेक्स्ट है, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है जिनका नाम है नवीन पटनायक, उन्होंने कलिंगा स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की वरिष्ठ पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की का खुलासा किया है। ये FIH सीनियर पुरुष हॉकी विश्व कप ये संस्करण कब होगा, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड कप 2023 में भारत ऑर्गेनाइज कर रहा है और इसमें सबसे पहले उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में जो उद्घाटन मैच होगा। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो विश्व कप 2023 का संस्करण होगा ये कौन सा संस्करण होगा, ये कौन सा वर्ल्ड कप होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने कलिंगा स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की वरिष्ठ पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के का लोगों का खुलासा किया है। लोगों मतलब समझ रहे हो, लोगो, ठीक है, ये लोगों का खुलासा किया है और ये FIH सीनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का संस्करण का कौन सा संस्करण होगा। तो कुछ बच्चे 14वां बता रहे हैं, कुछ बच्चे 15वां बता रहे हैं। तो ये 15वां संस्करण होगा, यानी कि 15th एडिशन होगा और ये भारत ऑर्गेनाइज करेगा। भारत में यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की तरफ से एक लोगो बनाया जाएगा जिसमें कि सीनियर्स मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब कलिंगा स्टेडियम में ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है। ये बेसिकली टूर्नामेंट दो जगहों पे ऑर्गेनाइज होगा, एक तो भुवनेश्वर और दूसरा राउरकेला। ये मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने विश्व कप का लोगों को एक बार क्या कहते हैं, लगातार कंसेक्यूटिव दूसरी बार लोगों का अनावरण किया गया है और ये 13 जनवरी 2023 से लेके 29 जनवरी 2023 तक विश्व कप खेला जाएगा। अगर बात करें कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ल्यूसेन यानी कि स्विट्जरलैंड में है। इसकी जो प्रेसिडेंट है यानी कि जनरल सेक्रेटरी है, उनका नाम है नरिंदर ध्रुव बत्रा, ठीक है। ये लगातार दूसरी बार रिक्रूट हुए हैं, अपॉइंट हुए हैं, नरिंदर ध्रुव बत्रा ये दूसरी बार FIH के प्रेसिडेंट के तौर पर रिक्रूट हुए हैं, ठीक है। और थियरी वेल ये जो है CEO है, ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द वर्ल्ड चागास डिसीज डे 2022 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब विद द थीम ऑफ फाइंडिंग एंड रिपोर्टिंग एवरी केस टू डिफीट चागास डिसीज। विश्व चागास रोग, ये चागास नाम का एक रोग होता है, ये चागास रोग को हराने के लिए हर मामले का पता लगाने और रिपोर्ट करने के लिए एक दिन मनाया जाता है। ये दिन कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल, 14 अप्रैल, 10 अप्रैल, 13 अप्रैल या 11 अप्रैल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 14 अप्रैल को विश्व चागास रोग दिवस के तौर पर मनाया जाता है और ये बेसिकली एक ऐसा रोग है जो कि विश्व में बहुत तेजी से फैल रहा है। लोग इसके बारे में कम अवेयर होते हैं। ये एक ट्राइमोनीसियस नामक रोग से ग्रसित होता है और इसकी जो पोटेंशियल लाइफनेस होती है, इसकी शुरुआत क्या होती है कि प्रोटोजोन पैरासाइट यानी कि एक तरह का बीमारी होता है, इससे बीमारी होनी शुरू हो जाती है। जो वर्ल्ड चागास डिसीज का जो थीम रखा गया है, विषय रखा गया है, वो फाइंडिंग एंड रिपोर्टिंग एवरी केस टू डिफीट चागास डिसीज, बड़ा लंबा थीम है, इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, एक बार जरूर पढ़ लेंगे तो अपने आप दिमाग में आ जाएगा। तो 14 अप्रैल रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द साइक्लोपियन वॉल, ए 14 किलोमीटर लॉन्ग वॉल ऑफ स्टोन वॉज लोकेटेड। पत्थर की 40 किलोमीटर लंबी दीवार, साइक्लोपियन दीवार, किस राज्य में स्थित थी? अभी अभी हाल फिलहाल में एक खुदाई हुई है, उसमें बहुत बहुत पुराना, उस खुदाई में 40 किलोमीटर लंबी दीवार प्राप्त की गई है,
ये जो कि एक साइक्लोपियन दीवार के तौर पर जानी जाती है। साइक्लोपियन दीवार एक यूरोपियन के द्वारा जब कोई आक्रमण करता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक दीवार खड़ी की जाती है जिसको बोला जाता है साइक्लोपियन दीवार। ये वास्तविक तौर पर 40 किलोमीटर लंबी दीवार पाई गई है। ये किस राज्य में पाई गई है? मध्य प्रदेश में, पंजाब में, बिहार में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। और अभी अभी इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में नॉमिनेशंस के तौर पर भी ले जाया गया है। ठीक है, यानी कि विश्व धरोहर स्थल के अंतर्गत इसका नॉमिनेशन भी हो चुका है। विश्व धरोहर स्थल कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट या वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है, कल के दिन मनाया जाता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। तो यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के अंतर्गत इसका नॉमिनेशन हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार, बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो बिहार में एक जगह है जिसका नाम है राजगीर। ठीक है, बौद्ध साम्राज्य अगर देखा जाए तो बौद्ध की कम्युनिटी पहले वहां पे राजगिरी या राजगीर में बहुत ज्यादा पाई जाती थी। तो साइक्लोपियन वॉल जो पाई गई है राजगीर बिहार में, 40 किलोमीटर लंबी पाई गई है। ये पत्थरों की लंबी दीवार पाई गई है। यहां पे किसी भी बाहरी आक्रमणकारी या जो इन्वेडर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये दीवार बनाई जाती है, जो कि 3rd सेंचुरी में बनाई गई थी। 40 किलोमीटर लंबी जो साइक्लोपियन दीवार है ये राजगीर के वॉल के तौर पर जानी जाती है। इसको प्री मौर्यन यानी कि जो मौर्य सम्राट था या मौर्य साम्राज्य था उसके पहले भी ये 40 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई गई थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा इसको इंक्लूडेड किया गया है और इसको नॉमिनेशंस में लाया गया है। तो बिहार के राजगीर में साइक्लोपियन वॉल ऑफ राजगीर के नाम से भी जाना जाएगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां पे स्थित है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश? फटाफट से आंसर बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो वेयर इज द सरिस्का टाइगर रिजर्व लोकेटेड? ठीक है, चलिए आंसर बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से, सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में हम लोगों ने कई बार आप सभी लोग को बताया है। ठीक है, तो इसका हेड जो टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व दोनों एक ही है, तो नेशनल पार्क भी आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। ये न्यूज में क्यों आया, सबसे पहले तो समझने वाली बात है, ये न्यूज में आया क्यों? तो नेशनल पार्क सरिस्का, नेशनल पार्क और सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। ठीक है, नहीं मध्य प्रदेश में नहीं होगा बच्चे, राजस्थान में हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चे, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में, सरिस्का नेशनल पार्क भी है, जो कि हाल फिलहाल में सरिस्का टाइगर रिजर्व में आग लग गई और उस आग को बुझाने के लिए बहुत ही यातनाएं झेलनी पड़ी। ठीक है, तो इसीलिए ये करंट अफेयर्स का भी न्यूज बन जाता है कि हाल फिलहाल में ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसमें बहुत तेजी से बहुत ही बड़े एरिया हेक्टेयर तक जो है आग फैलाई गई, आग लग गई थी। तो ये सरिस्का नेशनल पार्क या सरिस्का आपके टाइगर रिजर्व हो जाएगा। राजस्थान में आपके कौन कौन से टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क है? एक तो डिजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है, सरिस्का नेशनल पार्क जो कि दूसरा है, तीसरा केवलादेव नेशनल पार्क, चौथा है रणथंबोर नेशनल पार्क और पांचवा है दर्रा नेशनल पार्क। तो राजस्थान में 5 मुख्यतः नेशनल पार्क हैं और आपको याद करने में आसानी हो जाएगी क्योंकि बहुत ही इजी है। डिजर्ट नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क और दर्रा नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग पद्मश्री अवार्डीज फॉर देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। इनमें से पद्मश्री विजेताओं को उनके संबंधित क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। फैजल अली दार, ठीक है, अजय कुमार सोनकर, श्रीमद बाबा बलिया या कमलाकर त्रिपाठी। अभी अभी हाल फिलहाल में
पद्मश्री अवार्ड मिला है बहुत से लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से काम करने के लिए। तो अगर फैजल अली दार की बात करें तो फैजल अली दार स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग अजय कुमार सोनकर की बात करें तो साइंस एंड इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं। श्रीमद बाबा बलिया से बात करें तो ये सोशल वर्कर हैं, ठीक है, जो बलिया के हैं। और कमलाकर त्रिपाठी जो कि मेडिसिन के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया फैजल अली दार स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, अजय कुमार सोनकर साइंस एंड इंजीनियरिंग से, श्रीमद बाबा बलिया सोशल वर्क यानी कि सामाजिक कार्य से, और कमलाकर त्रिपाठी मेडिसिन के क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किस मंत्रालय के तहत आता है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है, इसका जो लक्ष्य लिया गया था कि मार्च 2022 तक अन्य योजनाएं दी जाएंगी, ठीक है, लेकिन भारत सरकार केंद्र सरकार ने इस योजनाओं को आगे बढ़ा दिया और इसको कह दिया कि हम लोग सितंबर 2022 तक अन्न का वितरण करेंगे। अन्न का मतलब समझ रहे हो, अन्न वितरण, अन्य योजनाओं के अंतर्गत अन्य का वितरण करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। फटाफट से आंसर बताइएगा, इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ठीक है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है। और आप सभी लोग को होमवर्क देते हैं तो आप सभी लोग होमवर्क नहीं करते हैं, ये गंदी बात है, ये अच्छी बात नहीं है। तो सभी लोग होमवर्क कर लिया कीजिए, आप ही लोग का फायदा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एक ऐसी सामाजिक वेलफेयर स्कीम के तहत जाती है जो कि सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत लाई गई थी, जो कि मार्च 2022 में लाई गई थी। और इस COVID-19 पैंडेमिक के दौरान लोगों को फ्री राशन दिया जाने का ही प्रावधान लाया गया था, यानी कि जितने भी गरीब रेखा के नीचे हैं वो गरीबी रेखा के नीचे वालों को गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत गेहूं, चावल, चीनी, गन्ना, तेल, ये सब दिए जाएंगे। इस तरह की योजनाएं जारी की गई थी, ठीक है। जो राशन कार्ड होल्डर हैं उनको दिया जाएगा जो कि गरीबी रेखा के नीचे बिलोंग करते हैं। और ये जो है बेसिकली अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत भी है, ठीक है, ये योजना अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लाया गया। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से कहा कि सबका विकास महाक्विज ऑन पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, उन्होंने लोगों से कहा कि जो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना है उस पर आधारित एक महाक्विज होगा, जिस तरीके से हम क्विज करा रहे हैं वो क्विज होगा, वो क्विज पर पार्टिसिपेट करें। और आप लोग को ये बताकर आश्चर्य होगा कि ये मार्च 2022 तक इसके नियम थे, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको क्या कर दिया, इसको सितंबर 2022 तक अब वितरण किया जाएगा। जो अन्य योजनाएं हैं यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसको सितंबर 2022 तक वितरित होता रहेगा। 165 फीट लंबा मोइरंग इंडियन नेशनल आर्मी मुख्यालय के परिसर में पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे ऊंचा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, ये मोइरंग किस राज्य से संबंध रखता है, ठीक है। द टॉलेस्ट 165 फीट इंडियन नेशनल फ्लैग इन नॉर्थ ईस्ट रीजन टू बी होस्टेड एट नेशनल आर्मी हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स एट मोइरंग, मोइरंग बिलोंग्स टू विच स्टेट, मोइरंग नाम का जो जगह है वो किस राज्य में आता है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम या असम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मणिपुर में मोइरंग नाम की जगह है, जहां पे नॉर्थ ईस्ट का पूर्वोत्तर राज्य का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा झंडा फहराया जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं
बॉर्डर से संबंधित समस्याएं हमेशा से झेलता चला आया है नॉर्थ ईस्ट स्टेट। नॉर्थ ईस्ट स्टेट टोटल कितने स्टेट हैं? 8 है। और सेवन सिस्टर्स में कौन सा देश नहीं आता है, सॉरी सेवन सिस्टर्स में कौन सा राज्य नहीं आता है नॉर्थ ईस्ट राज्य? वो सिक्किम नहीं आता है, ठीक है, सिक्किम राज्य नहीं आता है। बाकी सातों राज्य सेवन सिस्टर्स के अंतर्गत आते हैं। नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में सबसे बड़ा लंबा 165 फीट का भारतीय राष्ट्रीय झंडा को फैलाया जाएगा, जो कि मोयरंग में। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं, जिनको जो अभी अभी चुनाव हुआ, उनको फिर से रीनियुक्त किया गया, तो बीरेन सिंह ने कहा कि मणिपुर के मोयरंग में भारतीय राष्ट्रीय सेना के द्वारा मुख्यालय परिसर में सबसे ऊंचा झंडा 165 फीट का राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाएगा, ठीक है। 7 बार की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता एथलीट एलिसन फेलिक्स संन्यास की घोषणा कर दी है। ये किस देश से संबंध रखती हैं? रशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अमेरिका या न्यूजीलैंड? आप लोगों को झंडा देख के पता चल जाएगा, तो दो झंडे दिख रहे हैं इसमें, एक तो आपको न्यूजीलैंड का दिख सकता है और एक तो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का दिख सकता है। तो न्यूजीलैंड अभी धाकों में इतना अच्छा भी नहीं है कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक लेकर आए। तो अमेरिका की ये जो धाविका है, जिनका नाम है एथलीट एलिसन फेलिक्स, ये इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है और ये यूएस से बिलोंग करती हैं, ठीक है। 7 बार की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। महिलाओं में सबसे ज्यादा बार ओलंपिक गोल्ड एथलेटिक्स के तौर पर एलिसन फेलिक्स का खिताब जाता है। उन्होंने 5 बार के ओलंपिक एडिशन, जो कि एथेंस 2004 से लेकर टोक्यो 2020 में तक में ये पार्टिसिपेट किया। उन्होंने 2004 से टोक्यो 2020 तक के 5 ओलंपिक संस्करण में पार्टिसिपेशन किया। एलिसन फेलिक्स अमेरिका, जो कि 7 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रही है। उस न्यूजीलैंड क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने अभी हाल ही में सर रिचर्ड हेडली का पदक खिताब जीता है। कैली जेम्सन, टीम साउदी, रिचर्ड हेडली, डैनियल विटोरी या केन विलियमसन? नेम द न्यूजीलैंड क्रिकेट प्लेयर हु रिसेंटली वोन द सर रिचर्ड हेडली मेडल। उस न्यूजीलैंड क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताएं जिसने अभी हाल ही में सर रिचर्ड हेडली नामक पदक को खिताब में जीता है। केली जैमसन, टीम साउदी, रिचर्ड हेडली, डैनियल विटोरी या केन विलियमसन? फटाफट से आंसर बताइएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टीम साउदी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? टीम साउदी हो जाएगा। टीम साउदी है, इनको रिचर्ड हेडली पदक का खिताब मिला है अप्रैल 2022 में। इन्होंने एक प्रेस्टिजियस अवार्ड सर रिचर्ड हेडली का खिताब जीता है। ये न्यूजीलैंड के पहले क्रिकेटर हैं, इनको पहली बार ये खिताब मिला है 2021-22 के सेशन में, और ये सबसे अच्छे परफॉर्मेंस के तौर पर इनको ये खिताब दिया गया है। ये अभी तक 36 टेस्ट विकेट ले चुके हैं 23.88 के एवरेज के हिसाब से, और इनका जो बेस्ट है 43 रन पर 6 विकेट गिराना, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में इन्होंने लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, 94 एकेडमिक पुरस्कार कि किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र फीचर का पुरस्कार मिला है? विच फिल्म गॉट द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर अवार्ड इन द 94th एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर 2022, ठीक है। आप सभी लोग, वायरल हो चुका था विल स्मिथ का झापड़, समझ लोग समझ रहे होंगे। तो एक होस्टेस थे जो होस्ट कर रहे थे, विल स्मिथ की वाइफ को टकला बोल दिया था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बाल मुंडवाया हुआ था। तो विल स्मिथ अभी शुरुआत में तो लग रहा था कि मजाक के तौर पर लिए हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही उस होस्ट ने विल स्मिथ, जो कि एक्टर हैं और बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जीत चुके हैं ऑस्कर में, तो उनकी वाइफ को जैसे ही बुलाया गया टकली, ठीक है, जो कि बाल, जिसको बाल्डिंग कहा जाता है, बाल छिलवा के बैठी हुई थी, तो विल स्मिथ को काफी बुरा लगा। वो चुपचाप से उठे और उस होस्ट को एक झापड़ खींच के मारे। लोगों को लग रहा था कि ये एक नाटक है, लोगों को लग रहा था कि ये एक तरह का प्रैंक है, लोगों को लग रहा था कि ये एक तरह का हंसी मजाक है, लेकिन वास्तविक तौर पर फिर जब विल स्मिथ वापस आए तो उन्होंने अंग्रेजी शब्दों में गाली देते हुए उसको कहा कि अपने मुंह से मेरी बीवी का नाम मत लीजिए,
ठीक है। तो 94 एकेडमिक पुरस्कार अवार्ड में किस फिल्म को जो एडिशन हुआ है, ये 94 एकेडमिक पुरस्कार हुआ है जिसको ऑस्कर 2020 में। तो ये जो फीचर्स फिल्म डॉक्यूमेंट्री फिल्म है वो समर ऑफ सोल को मिला हुआ है। किसको मिला हुआ है? समर ऑफ सोल को मिला हुआ है, ठीक है। तो समर ऑफ सोल अमेरिकन डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो कि 1969 में हार्लेम कल्चरल फेस्टिवल के तौर पर बनाई गई है। ये किसके द्वारा? अहमेर के द्वारा डायरेक्टिव की गई है, डायरेक्शंस किया गया है, और 94 एकेडमी अवार्ड में बेस्ट फीचर्स डॉक्यूमेंट्री फिल्म के अवार्ड के तौर पर समर ऑफ सोल को खिताब मिलता है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जो बच्चे अभी भी जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस में बहुत वीक हैं या जिनका फाउंडेशन अभी भी कमजोर है, वो सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं 499 में आप सभी लोग। और जो लोग फॉर्म नहीं फिल किए हैं, जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, आप लोग मेरे टेलीग्राम पे अभी भी शायद पिन किया होगा या आज मैं पिन कर दूंगा, जो लोग गूगल ड्राइव से अपना डिटेल डालिएगा, मैं खुद आपको कॉल करूंगा और आप लोग मुझसे बात कीजिए, अपनी समस्याओं को मेरे सामने रखिए बच्चे, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपके बड़े भाई के तौर पर हूँ और मेरा सिर्फ और एक मकसद है कि आप सभी लोग सेलेक्शन लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप सभी लोग, अगर कोई मूवी लगी हुई है KGF, ठीक है, आप KGF मूवी भी देखने जाओगे, जब एक टिकट और पॉपकॉर्न वगैरह खाओगे तो 500 रुपए खत्म हो जाएंगे, सिर्फ 2 घंटे की बकवास के लिए, 2 घंटे की बकवास के लिए आपके 500 रुपए खत्म हो जाएंगे। आप अपने कैरियर को, अपनी दिशा कैसे देना चाहते हो, तो 499 रुपए का एक तरह से कोई चार्जेस नहीं है। हम लोगों ने ये नॉमिनल चार्जेस इसलिए भी रखे, हम लोग फ्री में भी रख सकते हैं, ठीक है, फ्री में भी रख सकते थे, लेकिन फ्री में इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि आप लोग को उसकी वैल्यू जो है ना, फ्री में कोई चीज दी जाती है तो उसकी वैल्यू खत्म सी हो जाती है और वो वैल्यू आप लोग पहचान नहीं रहते। तो वो वही वैल्यू को देखते हुए हम लोग एटलीस्ट 499 में पर इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग को 60 घंटे का बैचेस मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा, प्रैक्टिस सीटेज मिलेंगी, डाउट सेशन मिलेगा, 1 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो आज का सेशन फिर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी लोग बाय बाय। सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, सेशन को एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा और सेशन में रोज रेगुलर बना कीजिए। MTS एग्जाम आने वाला है, 7 मई को एग्जाम है, तो अपनी तैयारी भरपूर तरीके से कीजिए। तो गुड नाइट ऑल ऑफ यू, सभी लोग को शब्बा खैर, खुदा हाफिज़।